ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आपको बताऊं, कल तक बाबा ने मुरलियों में कहा था, अंतिम परीक्षा बड़ी शॉर्ट लेकिन बड़ी टफ, बड़ी हार्ड होगी, शॉर्ट होगी, ये प्लस पॉइंट है मेरे लिए, लेकिन होगी कैसी? टफ, क्योंकि ये परीक्षा वो परीक्षा होगी जो मुझे कल्प कल्प का विजयी बना देगी या कल्प कल्प मेरे हाथ से निकाल देगी। और वो कौन सी परीक्षा? निश्चय की परीक्षा। और ये सीक्रेट मैं आपके सामने खोल रही हूं कि ये परीक्षा लेनी उसने शुरू कर दी है। कभी भी कहीं भी किसी के भी निश्चय की परीक्षा हो सकती है। क्या इरादा है कानपुर वालों का? फेल या पास? आप देख लीजिए, मैंने बोला शॉर्ट प्लस टफ, भ्रम में नहीं रखना है। शॉर्ट होगी लेकिन कैसी होगी? एक बार तो ना ऐसे ऐसे हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे भी करते रहे, तू मेरा है, तू मेरा रहेगा, तो फिर निश्चय बुद्धि विजयी। और लेकिन है भी कि नहीं, ये हो क्या रहा है, ये आ क्यों नहीं रहा आजकल, तो संशय बुद्धि क्या होगा? यही का यादगार है, शंकर ने पार्वती की कैसी कैसी परीक्षाएं ली। देखिए, रूप बदला, भाषा बदली, बदली कि नहीं बदली, जुबान बदली, स्थान बदला, ढंग बदला, लेकिन पार्वती की पारखी बुद्धि ने हर बार उसको पहचाना, और वो हर बार क्या होती चली गई, और सौभाग्य क्या मिला फिर, शिव को वरने का। अब वरमाला हाथ में ले रही है, शिव के सामने गई, और जैसे ही माला लेके सामने गई तो त्रिलोकीनाथ का सर क्या हो गया, तो जो विजयी होंगे उसके सामने नतमस्तक होगा, खुद सर्वशक्तिमान झुक जाएगा, और ये हो गया असली बांधना उसको। तो ये परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। अब कैसा मेरा होना चाहिए? निश्चय। देखिए, वैसे तो हम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते, उससे पंगा नहीं लेना चैलेंज करके, क्योंकि सर्वशक्तिवान है भाई, उसको हम कोई चैलेंज दे सकते हैं क्या? असंभव, दूर से ही नमस्ते, चैलेंज नहीं। लेकिन यदि बात मेरे विश्वास की है, और वो भी उस पर है, ध्यान से सुनिएगा, बात मेरे विश्वास की है और वो भी उस पर है, तो इस बात को लेकर क्या मैं उसको चुनौती दे सकती हूं? हाँ या ना, अब बोलिए। हाँ, दे सकते हैं, क्योंकि अब बात मेरे हाथ में है, विश्वास मेरा है, तो मैं मेरे विश्वास पे विश्वास रख करके उसको चुनौती नहीं दे सकती कि तुझ में भी अब इतनी ताकत नहीं कि तेरे ऊपर से मेरे विश्वास को तू डगमगा कर सके। ऐसा कॉन्फिडेंस है अपने अंदर जी, जिसके अंदर है हाथ खड़ा करिए, दे सकते हैं? बिल्कुल। मैंने उसको कितनी बार अवतरित होते देखा है, मैंने कितनी बार उसके महावाक्यों को इन कानों से सुना है, मैंने 18-18 घंटे एक रस स्थिति में उसको, उसके दिव्य स्वरूप को निहारा है। आज नहीं आ रहा, आज परीक्षा ले रहा है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं वो रूप क्यों भूल जाती हूं जो मैंने उसको हजारों बार देखा, राइट? और दिखने को तो वो दिख जाए, बस तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए। आप सिर्फ दिल से बोलो, बाबा आपकी बाजू में खड़ा हुआ नाम मिला तो बताना फिर, लेकिन देखने के लिए क्या चाहिए? वही मिलेगा, वही मिलेगा। यही तो विश्वास है, यही निश्चय है, और यही विजय दिलाएगा।